प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम में प्रेस वार्ता आयोजित की, लेकिन मीडिया राधा रानी विवाद मामले में कुछ भी नहीं किया, मामले से बचते हुए नजर आए। गुरु पूर्णिमा और कांवड़ यात्रा की जानकारी देकर अचानक उठकर चल दिए। मंगलवार को शाम को कुबेरेश्वर धाम पर प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने जुलाई माह में हर साल की तरह इस साल भी भव्य रूप से गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके अलावा अगस्त माह पर भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहरी क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर पेयजल और भोजन सहित अन्य चीजों का इंतजाम किया जाएगा। भागवत भूषण पंडित श्री मिश्रा ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी कुबेरेश्वर धाम पर 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। कथा 14 जुलाई से 20 जुलाई तक जारी रहेगी और इसके पश्चात 21 जुलाई को यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को दीक्षा देने का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा के बारे में बताया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी विवाद मामले में बोलने से बचते नजर आए। नमस्तुभ्यम। जैसा कि अपने सीहोर नगर में आयोजन होते आए हैं देवाधिदेव महादेव के और कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जैसा हम लोग पत्रकार वार्ता के अंतर्गत पूर्व में भी सूचनाएं देते रहे हैं कि ये आयोजन अपने यहाँ जो चलते आए हैं उसकी मीटिंग अपन लोग पहले रखते आए, तो अपना गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है 21 तारीख का सुंदर आयोजन कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर होने जा रहा है, जिसमें बहुत शिव भक्त यहाँ पहुँचने वाले हैं जो भगवान की पवित्र धारा पर पहुँचकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाएंगे। और जो कांवड़ अपने सीहोर की जो प्रसिद्ध है कुबेरेश्वर धाम की, वो कांवड़ का कार्य 17 अगस्त का रखा गया है। 17 अगस्त को जैसे सुबह के समय पर 9 बजे सीवन नदी से माँ सीवन के घाट से कांवड़ चलेगी और माँ सीवन के घाट से कांवड़ चलकर बाबा के धाम कुबेरेश्वर भंडारी के दरवाजे पर पहुँचेगी। तो ऐसी पवित्र कांवड़ यात्रा में जो लाखों भक्त सीहोर पहुँचने वाले हैं, उसमें मूल रूप से है सीवन नदी के जल को भरना, माँ सीवन के तट पर सभी आनंद के साथ सफाई के साथ में माँ सीवन के तट पर लोग पहुँचें और भाव के साथ में दर्शन करें, माँ का जल भरें और कांवड़ यात्रा के लिए यहाँ पहुँचें।